मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया इन दिनों मध्य प्रदेश के 3 दिनों के दौरे पर हैं। अपने दौरे के दौरान सिंधिया अपने गृह क्षेत्र ग्वालियर भी जाने वाले हैं, लेकिन ग्वालियर जाने से पहले ही उनका अपने ही घर में विरोध शुरू हो गया है। सिंधिया आज ग्वालियर पहुंचेंगे, जहां भिंड और मुरैना के कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सिंधिया के ग्वालियर दौरे के एक दिन पहले से कांग्रेस ने उनके महल जय पैलेस के गेट के पास पोस्टर चिपका दिए हैं, जिसमें लिखा है मध्य प्रदेश में कोरोना भागा, जनसेवक रूपी कुंभकर्ण ज्योतिरादित्य सिंधिया जागा। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सिद्धार्थ सिंह राजावत ने सिंधिया के दौरे का विरोध किया है। राजावत ने सिंधिया के जयविलास पैलेस के बाहर सिंधिया विरोधी पोस्टर लगाए हैं। इससे पहले भी राजावत सिंधिया के महल के बाहर पोस्टर चिपका चुके हैं। इसके अलावा राजावत ने फूलबाग चौराहे पर शिवराज और पीएम मोदी का पुतला भी जला चुके हैं। राजावत ने सिंधिया को लालची बताते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश में सीएम पद को लेकर उठापटक चल रही है, इसलिए सिंधिया सीएम पद के लालच में बाहर निकले हैं।